स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पिछले चैप्टर में हमने आपको पहले ही बता दिया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती क्या है। तो लेट सी, देयर आर 3 degrees ऑफ कंपैरिजन। बेसिकली क्या होती हैं, 3 degrees होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, हम दो चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिंपली कह रहे हैं ही इज़ ए गुड बॉय। तो ये क्या है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिंपली हम कह रहे हैं कि वो क्या है, एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दो चीज़ों को या दो पर्सन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही इज़ बेटर देन हिम, देखिए वो उससे ज़्यादा बेटर है, यानी कि क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। सुपरलेटिव में क्या होता है, यहाँ पर टू कंपैरेटिव के अंदर टू पर्सन को आपस में कंपेयर कहते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में जितने भी पर्सन होते हैं, दो पर्सन ज़्यादा जो लोग होते हैं, तो उसे हम कंपेयरिंग को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि अगर हम दो से ज़्यादा लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस डिग्री को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कभी कभी हम सिंपली क्या करते हैं कि पॉजिटिव के अंदर क्या जोड़ देते हैं, ER हम कंपैरेटिव में जोड़ देते हैं और EST हम सुपरलेटिव बनाने के लिए जोड़ देते हैं। जैसे इसमें इधर देखिए क्या है, यंगर, यंग है, तो हमने क्या किया, इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया, ER जोड़ दिया। और बेसिकली कंपैरेटिव में ज़्यादातर क्या लगता है, देन, क्या लगता है, देन। यानी कि कंपैरेटिव की पहचान क्या होती है कि इसमें ER के साथ देन भी हम वर्ड ऐड करते हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव में कोई ER नहीं लगता, कोई EST नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या था, यंग, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यंगर में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है टू पर्सन के बीच में। अब इस सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लग जाएगा, EST, और सुपरलेटिव में हम देन का यूज़ नहीं करते। रिच का क्या हो जाएगा, रिचर, रिचेस्ट, बोल्ड का बोल्डर, बोल्डस्ट। यानी कि इन सारे वर्ड्स के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली ER और EST जोड़ना है। यानी कि ER हम कंपैरेटिव में ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में हम EST ऐड करेंगे। अब देखिए कभी कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जो ई पर ऐड होते हैं, तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, उसमें हम ER ऐड नहीं करते। जैसे क्लोज, जैसे इसके अंदर ई ऑलरेडी आ रहा है, तो इस कंडीशन में सिर्फ हम R ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्लोजर, तो यहाँ पर ई तो ऑलरेडी आ रहा था, तो हमने क्या किया, सिर्फ R को ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर ST ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा सुपरलेटिव में, क्लोजेस्ट। समझ में आ गया, तो आप जिसमें जिस वर्ड्स में ऑलरेडी ई लगा होता है, तो उसमें क्या करना है, आपको ER ऐड नहीं करना, सिंपली R और ST ऐड करना है। जैसे क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस, फाइन, फाइनर, फाइनेस, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब देखिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, वो किस पर एंड होते हैं, वाई। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जिनके लास्ट में क्या लगा होता है, वाई लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं कंपैरेटिव में, और क्या लगाते हैं, जैसे प्रीटी है, प्रीटी में क्या है, वाई लगा हुआ है, तो अब हम इसे कंपैरेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके क्या लगा देंगे, IER। यानी कि इसमें क्या करेंगे, वाई हमने नहीं लगाना, यहाँ पर IER ऐड कर देंगे, यानी कि आई को और ऐड करना है, यानी कि PTR। सिमिलरली अगर यहाँ पर सुपरलेटिव है, तो क्या हमने ऐड कर दिया, EST, यानी कि IEST, यानी कि क्या यूज़ कर देंगे, IEST ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, PTS। यानी कि जहाँ पर वाई लगा होता है, तो वाई को रिमूव करके हमें क्या ऐड करना होता है, IER, तो क्या हो जाएगा, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट। हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर, हैप्पियस्ट। देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स हैं, इसमें IER लगा है। हैवी का क्या हो जाएगा, हैवियर, हैवियस्ट। गे का गेयर, गेस। ये ईजी, ईजियर, ईजियस्ट। लेजी का लेजियर, लेजी। यानी कि वाई रिमूव करके आपको क्या ऐड करना था, IER और IEST। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं पॉजिटिव, जिसमें क्या होता है, वन सिलेबल, यानी कि वन वॉबल होता है। सिलेबल मीन्स वन वॉबल, जैसे ओ है, वन वॉबल है, आई, बिग में आई है, ई, ये सारे क्या है, वन वन वॉबल लगा हुआ है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या होते हैं, वॉबल होते हैं, सब में वन वन वॉबल है। तो जिनमें वन वॉबल होता है, तो आपको क्या करना होता है कि, और लास्ट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट, जैसे टी क्या है, हॉट, तो बीच में तो इसके क्या है, सिलेबल है, यानी कि वॉबल है, और लास्ट में क्या लगा है, कॉन्सोनेंट, यानी कि टी, जितने भी वॉबल को निकाल के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। और टी क्या है, वो भी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे,
कि जहाँ पर एक सिलेबल होता है, एक वॉवल होता है, तो टी को डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हॉटर, यानी कि टी को डबल करके ई आर एड कर देंगे, हॉटर और हॉटेस्ट, यानी कि डबल टी, ये जो टी है इसको डबल कर देंगे। अब देखिए बिग है तो बिग का बिगर हो गया, यानी कि सब में क्या हो रहा है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे, सारे कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। जैसे हॉट में टी था कॉन्सोनेंट तो हॉटर हो गया, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है तो हॉटेस्ट। बिग का बिगर बिगेस्ट, रेड का रेडर रेडेस्ट, थिन का थिनर थिनेस्ट, फैट का फैटर फैटेस्ट, सैड का सैडर सैडेस्ट। अब देखिए इफ द पॉजिटिव हैज टू, अगर ज़्यादा सिलेबल है यानी कि ज़्यादा वॉवल साउंड है, तो उसमें क्या होता है, हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते, बल्कि उसमें क्या ऐड कर देते हैं, मोर और मोस्ट को हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ही सिलेबल का मतलब होता है वॉवल साउंड, डिफिकल्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आई आई यू, यानी कि यहाँ पर क्या ही वॉवल साउंड आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको टी को यहाँ डबल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वॉवल्स हैं, वहाँ पर एक वॉवल था, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी ज़्यादा वॉवल साउंड होगी वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव में मोर का और सुपरलेटिव में मोस्ट का। तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, एक्टिव का मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, सिमिलरली इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेथफुल का मोर फेथफुल मोस्ट फेथफुल। सिमिलरली जितने भी वर्ड हैं सब में मोर और मोस्ट हमें ऐड करना है। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, मतलब उनके अंदर ना तो हम ई आर ई एस टी मोर वगैरह नहीं ऐड करते, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे इधर देखिए फार, तो फार में हम फारर नहीं लगाएंगे, ना ही फारदेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, फादर, यहाँ पर टी एच ई आर लगाएंगे, फार का क्या हो जाता है, फादर फारदेस्ट। सिमिलरली फार को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, फादर फारदेस्ट और फर्दर और फर्देस्ट। अगर डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, दूरी बता रहा है, तो हम फादर लिखेंगे, और पोजिशन बता रहा है तो फर्दर और फर्देस्ट। मैनी का हम मैनियर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोर और मोस्ट, नंबर बता रहा है, और क्वांटिटी बता रहा है, मच है तो क्या हो जाएगा, मच में भी मैनी और मच में सेम रहेगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो क्या हो जाएगा, मैनी का भी मोर और मच का भी मोर, और सुपरलेटिव में मोस्ट मोस्ट हो जाएगा दोनों का। गुड का क्या होता है, बेटर बेस्ट, लिटिल का लेस लीस्ट, लेट का लेटर लेटेस्ट, अगर टाइम बता रहा है, पोजिशन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेटर लास्ट। ओल्ड का क्या होता है, एल्डर एल्डेस्ट, बैड का क्या लिखते हैं, वर्ड्स वर्स्ट, गुड को बेटर बेस्ट, वेल का बेटर बेस्ट, अप का अपर अपर मोस्ट, आउट का आउटर आउटर मोस्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, इसमें कोई वर्ड ऐड नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो चीज़ों को या फिर दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, इसके अंदर देन लगा होता है, मोस्टली हम ई आर का यूज़ करते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वो दो से ज़्यादा चीज़ों को या दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर किया जाता है इसके अंदर, और इसमें ई एस टी लगा होता है, और इसके अंदर देन का हम यूज़ नहीं करते।